प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आशा रखता हूँ कि प्रभु की प्यार और दया के कारण आप सब भले और अच्छे हैं। आज और एक बार आपके सामने इस तरह संदेश बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है, इसीलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो है बाइबल में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? आप क्या कह रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आप जो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं वो मैं सुन नहीं सकता, लेकिन आप कृपया कमेंट्स के द्वारा आप हमें आपकी राय को बता सकते हैं। आइए इस संदेश के द्वारा इस प्रश्न का जवाब हम बाइबल में से देखेंगे। यीशु मसीह के पास एक बार सदुकियों ने आकर शादी के विषय में वाद विवाद करने लगे यीशु और उनके चेलों के साथ। तब एक व्यवस्थापक, यानी इंग्लिश में लिखा है ए टीचर एंड एक्सपर्ट इन द लॉ, केम टू जीसस। एक व्यवस्थापक शास्त्री आया यीशु मसीह के पास और यीशु से एक प्रश्न पूछा। वो यही चाहता है कि यीशु को परखे कि यीशु इस विषय में क्या कहेगा। तो यीशु से पूछने लगा, प्रभु यीशु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो है व्यवस्था में से कौन सी सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है? तब यीशु ने इस तरह जवाब दिया। आइए उस वचन को हम बाइबल में से देखेंगे। आपके सामने मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान से मन लगाकर वचन को सुनिए। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 12 वचन 29 में लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यीशु मसीह उस व्यवस्थापक या शास्त्री से इस तरह जवाब दिया। दो आज्ञाएं हमें यीशु ने दिया नया नियम में। पहली आज्ञा है, तू प्रभु और अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु जितना आप प्यार करते हैं उससे ज्यादा आपसे प्यार करता है। क्योंकि कितने भी पाप करें आप, जितना भी प्रभु से आप दूर हट जाए, फिर और एक बार प्रभु आपको अपने हाथ बढ़ाकर आपको आ मेरे बेटा, आ मेरी बेटी, मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझसे फिर प्यार करूंगा, मैं फिर अपनी आशीर्वादों को तुम पर उंडेलूंगा कहकर यीशु मसीह हर समय अपने हाथ बढ़ाकर फिर भी बुला रहा है। परमेश्वर यहाँ पहली आज्ञा कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर से प्यार कर। प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात है, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से और सारे प्राण से, यानी आत्मा से, मन से, शक्ति से, बुद्धि के साथ हमें प्रभु यीशु को प्यार करना है। इस वचन को और भी आप सरल रीति से सोचेंगे का अर्थ यह है कि हम हमारे मन से यीशु को प्यार करते हैं, प्राण से प्यार करना है कि यीशु से ज्यादा किसी से भी प्यार नहीं करना है, और अगली बात है अपनी बुद्धि से प्यार करना है, यानी जो भी प्रभु आपको चेतावनी देता है किसी भी वचन के द्वारा हो, दर्शन के द्वारा हो, उस बात को समझने की बुद्धि चाहिए। जब आप पूरे मन से प्रभु का प्यार करेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक विषय में मार्गदर्शन करेगा। इसीलिए यहां लिखा है कि अपनी सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारे मन से, और आखिरी बात यहाँ है कि सारी शक्ति से आप अपने परमेश्वर को पूरा शक्ति, परमेश्वर जितना ताकत दिया है आपको उतना ताकत लगाकर परमेश्वर की सेवकाई में आप शामिल होना है। शायद आप प्रार्थना भी करें तो शक्ति चाहिए ना, घुटनों पर आकर प्रार्थना करने के लिए शक्ति चाहिए, खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए शक्ति चाहिए, वचन पढ़ने के लिए शक्ति चाहिए। तो आप जो भी काम प्रभु के लिए करते हैं पूरा मन लगाकर करिए। आज बहुत से लोग आधा आधा मन लगाकर प्रार्थना करते हैं। अगर आपका दोस्त आकर पूछेगा क्या शॉपिंग जाएंगे नहीं तो बाहर घूमने जाएंगे, तो आप बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ, पूरा शक्ति मन लगाकर आप जाते हैं। क्या वही मन, वही शक्ति, वही प्राण या वही आशा प्रभु से प्रार्थना करने में या बाइबल पढ़ने में या उपवास प्रार्थना करने में आप उस तरह मन लगाते हैं? उपवास प्रार्थना, आधा मन से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए आपको जवाब नहीं मिलता। बाइबल पढ़ना, बहुत बोरिंग से बाइबल पढ़ते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर के ज्ञान को समझ नहीं सकते। प्यारे भाइयों बहनों,
और दोस्तों मेरी विनती है, शायद आप 5 मिनट के लिए भी प्रार्थना करो, लेकिन पूरा मन से, पूरी प्राण से, पूरी बुद्धि से और पूरी शक्ति से मन लगाकर प्रार्थना करना। और यीशु ने दूसरी आज्ञा हमें दिया है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लूका सुसमाचार में लिखा है, शास्त्री ने यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु ने एक गुड समरिटन यानी अच्छा समरी के बारे में कहानी बताया कि एक व्यक्ति गांवों से एक रास्ते में गिरा हुआ था। तो पहले याजक आया और देखा, वहां से चला गया, और दूसरा लेवी आया और वो भी वहां से देखकर अपने रास्ते से अनजान से चला गया, और तीसरा व्यक्ति आया, वो एक समरी था यानी अन्य जाति का था, लेकिन उसने जो व्यक्ति रास्ते पर गिरकर गांव से पड़ा हुआ था उसे देखकर अपने साथ ले गया और उसे इलाज किया, उसको भोजन दिया, अपने घर में रखा, उसको जितना भी इलाज के लिए पैसा चाहिए था वो सब पैसा उस समरी ने देकर उसे ठीक किया। तो इन तीनों में से कौन अच्छा है, किसने अपने पड़ोसी से प्रेम किया? तो शास्त्री ने जवाब दिया, प्रभु वो जो अच्छा समरी जिसने उस व्यक्ति का मदद किया है। जी हाँ, आज भी आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मदद में है, यानी परमेश्वर आपको आर्थिक स्थिति, अच्छी आर्थिक उन्नति दिया है, तो आपके आसपास लोग जो भूखे हैं, जो कपड़े नहीं है, जो पढ़ाई नहीं है, उनको आप जब परमेश्वर आपको प्रेरणा देगा तो उनको सहायता करो, तो वही आपका पड़ोसी है। यदि कोई नाश के ओर दौड़ रहा है, यदि कोई शराबी है, यदि कोई परमेश्वर से दूर है, तो परमेश्वर के वचन बताओ या अपनी गवाही बताओ, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में आ सकता है और वो नरक से बच सकता है। इस तरह आप जब अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे तो आप दूसरी आज्ञा को पूरी करते हैं। खास करके आज बहुत से घरों में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके आसपास गली में रहने वाले वही आपके पड़ोसियां हैं। यदि आपकी गवाही या आपकी जीवनी आपके घर वालों के बीच में, आपके गली वालों के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में ठीक है, तो परमेश्वर बहुत खुश होगा। आज बहुत से विश्वासी या मसीह ऐसे है कि अपने गली में या अपने गांव में या अपने दोस्तों के बीच में उसकी गवाही ठीक तरह नहीं है, लेकिन कलीसिया में या बाहर सब लोगों के सामने कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, मैं बहुत अच्छा परमेश्वर का से प्यार करता हूँ कहकर कहते हैं। आप क्रूस को जानते हैं ना, क्रॉस। देखिए मेरे बाजू में एक क्रूस की तस्वीर दिखाई दे रही है। उस क्रूस का अर्थ ये है कि यानी परमेश्वर से ठीक रहना है और दूसरी है अपने पड़ोसियों से भी ठीक रहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं परमेश्वर से ठीक हूँ, तो पड़ोसियों से ठीक रहने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। यीशु ने ठीक तरह से कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे मन से प्यार कर, पूरी शक्ति से, बुद्धि से उसका उपासना कर, और दूसरी है अपनी पड़ोसी से प्रेम रखना। समझ गए, क्रूस का अर्थ यही है, परमेश्वर से ठीक रहना है और अपने पड़ोसियों से भी ठीक रहना है। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, आइए वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, देखेंगे लूका सुसमाचार अध्याय 2 में लिखा है, यीशु बुद्धि और डिंडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि बुद्धि यानी बुद्धि और ज्ञान में परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह दोनों में ठीक रहा, बढ़ता गया। आपको भी परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस होनी चाहिए। और समुएल के बारे में भी लिखा है, आइए वो भी देखेंगे। पहला समुएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 26 में लिखा है, समुएल बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। देखिए यदि आप सच्चे विश्वासी है, सच्चे क्रिश्चियन है, बिलीवर है, तो आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने आप अपना जीवनी को, अपनी चाल चलन को ठीक रखना चाहिए। शायद दुष्ट लोग आपको निंदा करें, आप बिना कोई गलती से आप पर अपमान करें, आपकी बुराई कहे, लेकिन जहां लोग अच्छे हैं, जो विश्वासी है, जो आपको ठीक तरह से जानते हैं, उनके सामने और परमेश्वर के सामने आपकी गवाही, आपकी जीवनी अच्छी तरह से रहना चाहिए। यीशु ने यही दो आज्ञाओं को उस शास्त्री से बताया है। बाइबल में यही दो आज्ञाएं सबसे बड़ी और मुख्य है। क्या आप इस विषय के बारे में जानते हैं? तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे हम जानते हैं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। सवाल यह है, क्या आप इसका अनुकरण करते हैं? क्या आप इस दो आज्ञाओं का पालन करते हैं? मुझे मालूम नहीं कि हाँ या नहीं,
लेकिन आप खुद को अपने आप को जांच लीजिए इस संदेश के द्वारा। क्या प्रभु मैं सच में ये दो आज्ञाओं को मानता हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या किसी बात में मुझे सुधारना चाहिए? तो कृपया प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए। आइए अपने आंख बंद कीजिए, एक छोटा प्रार्थना करता हूं आपके लिए, इस दो आज्ञाओं का पालन करने के लिए मदद करेगा। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह और दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु, इस समय प्रार्थना करता हूं आपने उस शास्त्री के सामने इस दो आज्ञाओं के बारे में हमें बताया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुझे आपने पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे प्राण से प्यार करने के लिए सहायता कर पिता। प्रभु आधा मन इधर आधा मन संसार में रखकर तुझसे दूर ना होने दे प्रभु, पूरे मन से प्यार करने के लिए सहायता कर। और प्रभु जितना शक्ति तूने दिया है उस शक्ति से, उस प्राण से तू जो भी हमसे कह रहा है उस बुद्धि लगाकर प्रभु तेरे बातों को समझकर तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए तेरे सामने एक नम्र व्यक्ति की तरह, ताकि तू हमसे प्यार करे उस तरह हम रहने के लिए सहायता कर। जिन लोगों के लिए तू चेतावनी देता है, जिन लोगों से तू कहता है कि इस व्यक्ति से प्यार कर, इसे वचन बता, इसके लिए प्रार्थना कर, इसकी जरूरतों की देखभाल कर, कहकर तू जब हमें कहता है उस कामों को भी हमें करने के लिए सहायता कर। हम अपने पड़ोसियों से प्यार करने के लिए सहायता कर, शायद वो क्यों ना हमारी नफरत भी करे, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, उसके लिए विनती करने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरी दो आज्ञाओं को पालन करने के लिए आज ये संदेश सुनने वाले हर एक प्यारे भाई और बहन को सहायता कर। इन संदेशों को देखकर प्रभु जितने भी फोन्स के द्वारा प्रार्थना मांग रहे हैं उनको याद कर, उनको अच्छी सेहत दे, उनको बुद्धि ज्ञान दे, तेरे वचन को समझने के लिए सहायता कर, तेरी आत्मा उंडेल, इस सेवकाई को भी आशीष दे। तेरी इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा इनके साथ मिलने के लिए सहायता कर। तू ही हमारे साथ रहकर इन संदेशों को आशीष दे पिता, यीशु मसीह नाम में दुआ करता हूँ, आमेन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास रखता हूँ कि प्रभु ने आपसे इन संदेश के द्वारा बात किया है। कृपया इन संदेशों को लाइक कीजिए, शेयर करो संदेशों को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। उसी तरह हम इन संदेशों को लॉर्ड्स हाउस हिंदी फेसबुक पेज पर भी इन संदेशों को हम पोस्ट कर रहे हैं। यदि आपके दोस्त हो फेसबुक पे तो उनको भी आप लॉर्ड्स हाउस हिंदी पेज फॉलो करने के लिए बताना, और इन संदेशों को आप वहां भी देख सकते हैं। यदि सच में प्रभु ने आपको प्रेरणा दिया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह आप भी हमारे साथ प्रभु की दी हुई आशीषों में भाग ले सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।